हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बंगाल में जय श्री राम पर घमासान, ममता दीदी को क्यों आता है गुस्सा, जय श्री राम पर क्यों चिढ़ती हैं ममता, क्या बंगाल में मोदी मैजिक चलने से गुस्से में है ममता, या फिर बंगाल में लहराता केसरिया है वजह। जय श्री राम की जय जयकार की वजह से इन दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत में खासा उबाल आ गया है। बात चुनाव नतीजे से ज्यादा जय श्री राम उद्घोष पर ममता के गुस्से पर हो रही है। आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चीड़ क्यों होती है? क्या बीजेपी को ममता के खिलाफ एक नया हथियार मिल गया है, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है? कहने की जरूरत नहीं कि ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे पर अपने गुस्से का इजहार करके बीजेपी को अपने मंशा में कामयाब हो जाने दिया। ममता का बयान ममता के खिलाफ गया, जिसमें वो ये कहते दिख रही हैं कि जो लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं वो होशियार रहें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मामला तब और बिगड़ गया जब ममता के दो मंत्रियों की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाहर जय श्री राम के नारे लगने लगे। तब पुलिस ने नारे लगा रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। संदेश ये गया कि ममता राज में जय श्री राम कहने पर लाठी पड़ती है। अब तक मामला और बिगड़ गया। अब बीजेपी के हाथ में ममता ने अपने खिलाफ ऐसा हथियार थमा दिया जो बिना शक ममता के नुकसान दायक साबित होगा। जय श्री राम के नारे से ममता की चीड़ को बीजेपी अब सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इसी मकसद से बीजेपी जय श्री राम लिखे 10 लाख खत ममता बनर्जी के पते पर भेजने का अभियान चला रही है। नुकसान होता देख ममता बनर्जी ने पूरे मामले पर सफाई देने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के नारे से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों के पीछे भावनाओं को समझती हैं, लेकिन बीजेपी जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल पार्टी स्लोगन के तौर पर कर रही है और ऐसे राजनीतिक नारों को थोपने की किसी कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की छवि पिछले दिनों हिंदू विरोधी की बनती दिखी। ऐसा कहा जाने लगा कि उनके कई फैसले मुस्लिम वोट हासिल करने के मकसद से उठाए गए। आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी को लुभाने के लिए ममता ऐसे फैसले लेती हैं। साल 2011 में सूबे की सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने इमामों को मासिक वजीफा देने की योजना चलाई। इसके बाद साल 2017 में जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़ा तो ममता बनर्जी ने आदेश दिया कि पहले मुहर्रम के तजिए निकाले जाएंगे और उसके बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा। जाहिर है ममता के इस आदेश के बाद एक बार फिर से बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। बीजेपी ने ममता पर बंगाल में तालिबानी शासन का आरोप लगाया। यही नहीं, ममता पर सरस्वती पूजा पर रोक लगाने के भी आरोप बीजेपी ने लगाए। जाहिर है ममता के ऐसे कदमों से उनकी छवि हिंदू विरोधी की बननी ही थी, मगर ममता बनर्जी अपने ऊपर लगे मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मेरे ऊपर आरोप लगाने वालों से मेरा सवाल है कि क्या हिंदुओं से प्रेम करने का मतलब मुस्लिमों से नफरत करना है? ममता बनर्जी ने एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम छवि को खत्म करने की खूब कोशिश भी की। उन्होंने दुर्गा पूजा से पहले एक देवी गीत भी लिखा। दुर्गा पूजा कमेटियों पर 28 करोड़ रुपए खर्च भी
करने का ऐलान किया, लेकिन कमान से निकला तीर अब तक काफी आगे निकल चुका था। ममता का जय श्री राम नारे के जयकारे से चिढ़ने की वजह सिर्फ बीजेपी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता ही नहीं, बल्कि ममता को अपने उस मतदाता को ये संदेश देना भी है कि वो बीजेपी विरोधी है। यह वही मतदाता हैं जिन्होंने सीपीएम से सत्ता छीनकर ममता के हाथों में दी। जाहिर है ममता अपने उस मतदाता को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेंगी। जल्द ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में ममता को ऐसी छवि के सहारे ही अपनी नैया पार लगानी है, तो ऐसे नारों से उनकी चीड़ स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।